हाय एवरीवन, टुडेज वर्ड इज इम्ब्रोग्लियो, जो कि क्या है, एक नाउन है. ओके, जिसका मीनिंग होता है एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जो कॉम्प्लिकेटेड हो, इम्प्रेसिंग हो. ठीक है, ठीक है, क्या हो, एक कॉम्प्लिकेटेड हो, यानी कठिन एक सिचुएशन आ जाती है हमारे पास, एक जटिल, एक शर्मनाक स्थिति जो आ जाती है ना, कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा यार कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है फिर. ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी कि हम उसका जो पक्ष था, किसका पक्ष ले, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इम्बार्ग्लियो. ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएगा मडल, मेस या फिर क्वेगमायर भी बोल सकते हैं. ठीक है, क्या क्वेगमायर, मडल, मेस, यानी क्या हो जाता है, उलझन भरी सिचुएशन हो जाती है. ठीक है, देखो इधर से ये तीन लोग भी इधर से ये चिल्ला रहे, इधर से ये चिल्ला रहे, किसका पक्ष ले, कैसे सुलझाएं इनकी बातों को. ठीक है, तो वो चीज़ होती है मडल, मेस और क्वेगमायर. ओके, एंटोनिम्स क्या हो जाता है, क्लैरिटी, ऑर्डर, रेजोल्यूशन. क्लैरिटी यानी क्या हो जाएगा, क्लैरिटी यानी स्पष्ट, ऑर्डर यानी आदा आदेश, जो ऑर्डर होते हैं आदेश, यानी कि सीनों का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें हैं वो सुलझ गई. ठीक है, स्पष्ट हो गई. ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें, द नेगोशिएशन वर इन टू ए इम्बार्ग्लियो, जो नेगोशिएशन था, जो उनकी बातचीत हो रही थी, वो क्या था, एक उलझन में था, जो एक जटिल या शर्मनाक स्थिति के बीच में थे. ठीक है, विद नो क्लियर एंड इन साइड. ठीक है, जिसका कोई भी स्पष्ट अंत हमें नहीं दिख रहा था. ठीक है, विथ नो क्लियर एंड इन साइड, कि जिसका कोई भी स्पष्ट अर्थ हमें नहीं दिख रहा था. ठीक है, आई होप आप लोग इम्बार्ग्लियो का मतलब समझ गए होंगे. अगर थोड़ा सा भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल जाओ डेफिनेटली आपको उसका जवाब दूंगा. ओके, ऐसी हजार वीडियोस आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर ये बेनिफिट रही हो तो. ठीक है, वो बेनिफिट आपके लिए रहती है अगर आप मंथ डेली डेली एक एक वोकैब भी देखते हैं ना, तो आप मंथ की 30, अब जैसे कि यहाँ पर आप इम्बार्ग्लियो, तो इसके थ्री सिनोनिम्स, थ्री एंटोनिम्स और कुछ आपको यहाँ पर भी मिलते हैं. ठीक है, जो एग्जाम्पल होते हैं उसमें भी कुछ वर्ड्स आते हैं, उन्हें भी हम लोग बताते हैं. यहाँ से आपकी स्पोकन इंग्लिश भी अच्छी होती है, साथ में वोकेबलरी भी इन्हेंस होती है. ठीक है, यदि आप डेली डेली एक एक वीडियो, एक में एक से दो मिनट की एक वीडियो होती है, आप इन्हें देखिए. ठीक है, और वीकली रिविजन में आप शामिल हो जाइए, तो आपकी वोकेब बहुत अच्छी हो जाएगी. ठीक है, एम्बार्ग्लियो. ओके.